आपको डर नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है कि डर नहीं है। बच्चा क्लास में है तो अब्सेंट लगती है। हां रमेश जो आया वो प्रेम करता है, कोई प्रेम नहीं करता है इससे। सीधी सीधी बात है, दुनिया पे बोली अब क्यों नहीं आता ये तो उनको पूछना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा। ऊर्जा निगम और अग्नि समान अधिकारी मसूरी द्वारा संबंधित की जाएगी। दिख रहा है आपको? मैं तो नहीं समझ रहा हूँ यार कोई। आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों पे ये बैठक का आयोजन किया गया और यह तय किया कि भव्य तरीके से ये इसका आयोजन किया जाएगा हर वर्ष के भांति, और जो शहर में विभिन्न क्षेत्रों से जिन्होंने अच्छे कार्य किए उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे कमेटी का चयन किया गया है और जो भी शहर में व्यवस्थाएँ होनी है उनको सबको जिम्मेदारी दी गई है और बहुत विभिन्न तरह की कमेटियाँ बनाई गई हैं जो इसका अच्छी तरीके से संचालन करेगी। देखिए आज देखिए बहुत बड़ा लापरवाही ये विभागों द्वारा है और इसके साथ जनप्रतिनिधि भी और जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ से नदारद रहे, और उनको मैं यही बोलूँगा कि आगे से भविष्य में ऐसी गलती ना हो और जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर अनुपस्थित रहे उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक में वो अनुपस्थित क्यों रहे। देखिए जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो माननीय मंत्री जी वो यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे, अगर वो उनकी एब्सेंस होती है तो फिर हम उसमें जब उनका कन्फर्मेशन आ जाएगा उसके बाद हम तय करेंगे कि हमारा मुख्य अतिथि कौन होगा। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उसमें 9 से 15 तारीख तक इसको मेरी माटी मेरा देश का आयोजन किया जाना है। इसमें एक तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो हमारे आर्मी के शहीद हैं उनके लिए एक शिला फलकम की स्थापना की जानी है, जिसमें वो है कि इनको अमृत सरोवर के किनारे या जल निकाय के किनारे इनको किया जाए, तो इसी क्रम में हम मसूरी झील पे इसको करेंगे। और इसमें प्रधानमंत्री जी के संदेश के साथ साथ जो मसूरी नगरपालिका क्षेत्र के शहीद हैं उनके नाम अंकित किए जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे हाथ में मिट्टी लेके प्रतिज्ञा की जाएगी। साथ ही वहाँ पे एक वाटिका का निर्माण किया जाएगा जिसमें 75 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों को हाथ में मिट्टी लेके और शपथ लेने का कार्यक्रम वो शिक्षा विभाग उसको करवाएगा और वो फोटो हमको अपने भेजेंगे जिसे हम पोर्टल पे अपलोड करेंगे। इसके साथ साथ एक 13 से 15 तारीख का घर घर तिरंगा, तो इसमें सभी से हमारा अनुरोध ये है कि 13 से 15 तक अपने घर पे तिरंगा जरूर लगाएं। गत वर्ष तो नगर पालिका ने भी तिरंगे दिए थे, संभवतः इस बार भी आएंगे तो कुछ तिरंगे हम उपलब्ध करवाएंगे। बाकी हर आदमी एक तिरंगा अपने घर पे जरूर लगाए। इसका प्रचार प्रसार के लिए हमने कुछ बैनर पोस्टर वगैरह भी लगाए हैं और यहाँ पे हमने अपने नगर पालिका में अभी कुछ दिन पहले बैठक की थी जिसमें सभी संस्थाएं और स्कूल के उनको बुलाया गया था। ठीक है।